वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज है 10 नवंबर और अभी हम लोग सभी लोग जा रहे हैं गाइस हाशिमारा। फिलहाल गाइस सभी लोग सिलीगुड़ी में और टोटो में बैठे हैं, जा रहे हैं गाइस हम लोग स्टेशन। और गाइस इतना प्रेशर क्रिएट हो गया है ना, भैया थे बैंक में, आज छुट्टी नहीं था भैया का, तो हाफ डे लेके जा रहे हैं। यहाँ गाइस आप लोग देख सकते हो और इतना गाइस प्रेशर क्रिएट हो गया है। 4:30 बज चुका है, 5 बजे का ट्रेन है और अभी टोटो से गाइस जा रहे हैं। आपको पता है कितना स्लो चलता है। यहाँ से गाइस जो स्टेशन है ना वो आई थिंक 3 किलोमीटर है। देखते हैं गाइस ट्रेन पकड़ पाते हैं कि नहीं हम लोग। और यहाँ देखिए कौन कौन जा रहा है। यार इस लोचन भैया, शिवम यहाँ बैठा है, शिवम भैया। और गाइस अभी दिवाली है ना तो कुर्ता पैजामा में इसका लुक है। तो जाएंगे टिकट लेंगे और सीधे जाएंगे गाइस। तो ट्रेन है गाइस वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में आ चुका है, टिकट भी मिल गया है। और गाइस ऑलरेडी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म में आ चुका है। सो मैं एकदम पीछे चलते हैं, पीछे टिकट मिला। So finally guys, टिकट भी मिल गया, स्टेशन भी पहुंच गया टाइम से। अभी आई थिंक 5 मिनट बचा है, 5 मिनट बाद गाइस ट्रेन खुल जाएगा। इतना हड़बड़ी में गाइस सारा काम हुआ है ना, बट सेफली हम लोग टाइम टू टाइम एकदम स्टेशन पहुंच गए। अब गाइस जाएंगे घर पे और घर जाएंगे गाइस दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। आज तो गाइस धनतेरस है, तो गाइस हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। यो गाइस भैया क्या लेके आए यहाँ पर, ये बिस्किट है। थैंक यू सो मच गाइस, है हमारे मेंबर के सबसे बड़े और जिम्मेदार आदमी। थैंक यू सो मच बड़ा भाई है, वही है। सो हे गाइस फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। बाप रे गाइस 4.5 घंटे का जर्नी करके हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। देखिए ये देखिए गाइस फाइनली शिवम भाई कैसा लग रहा है काफी दिनों बाद ट्रेन में सफर करके और घर पे आकर। और गाइस सुबह में के बैंक से एक गिफ्ट मिला है, दूध पापा यहाँ पर अनबॉक्स कर रहे हैं। वाओ क्या मिला है वो तो बताओ। ड्राई फ्रूट। अच्छा ड्राई फ्रूट से, मिठाई नहीं है ना। मिठाई भी है, छुपा रुस्तम। चन भैया फर्स्ट टाइम आए हैं घर पे, भैया कैसा लग रहा है? जैसा सोच के आए थे वैसा ही है। गाइस अभी हम लोग रेस्ट वगैरह करेंगे और मम्मी के हाथ का खाना खाने वाले हैं। काफी दिनों से गाइस मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाए थे। खाना क्या मतलब टाइमली खाना ही नहीं हो पा रहा था। तो मैं दाल मखनी बनाई हूँ। अरे वाह मम्मी, अरे वाह, रोटी है, पुलाव है। अरे गाइस मम्मी का ना दाल मखनी हो गया या सब्जी हो गया, पनीर का सब्जी हो गया, इतना टेस्टी। आप लोग कभी आओ तो मैं जरूर टेस्ट कराऊंगा। The next day. Hello guys, welcome back to my new blog. I hope guys आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। So guys, happy Diwali to all of you. तो guys अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी गाइस शाम का 3:30 बज रहा है और गाइस हमारे घर में अभी पूजा होने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर सब लोग रेडी हो गए हैं, मैं भी गाइस रेडी हो गया हूँ। तो अभी यहाँ पर पूजा होगा और उसके बाद गाइस पूजा होने के बाद ही फिर पटाखे बॉम्ब सब कुछ करेंगे, ठीक है? तो चलो गाइस आपको दिखाते हैं कि पूजा कैसे होता है। शिवम भैया हैप्पी दिवाली। शिवम हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली गाइस। यहाँ देखिए ये हमारे पापा जी गाइस पूजा कराएंगे घर का। पापा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सेम टू यू। मम्मी हैप्पी दिवाली। Happy। और गाइज यहाँ पर अभी पूजा होने वाला है, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे लड्डू गोपाल। हैप्पी दिवाली गाइज। इनके पास हम लोग सुबह सुबह ना पटाखे रख दिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पापा भी पूजा कराएंगे यहाँ पर। कल से मुखे विष्णु कंठे गला में रुद्रस्मिता मूले एकदम जमीन में तति जीते मध्य बीच में मात अंगला स्मिता कुरुक्षेत्र सागर सर्वे द्वारा ऋग्वेद यजुर्वेद समेत सतु समिता यत्र गायत्वा हा भोले गणेश जी महाराज की। जय आचमन्यम समर्पयामि माता लक्ष्मी के ध्यान गच्छया तिष्ठे गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती अडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता ओम जय लक्ष्मी माता।
सो फाइनली गाइस पूजा हो गया है संपन्न और गाइस मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। जय आशीर्वाद दीजिए, पानी दीजिए तो थोड़ा सा। और गाइस पापा चले गए हैं, पापा का आज काफी ज्यादा बिजी है गाइस, काफी जगह उनको पूजा भी करवाना है, मुझे भी गाइस अभी एक जगह पूजा करवाना है, भैया को भी एक जगह पूजा करवाना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है गाइस, और हम लोग गाइस मैं भी गया था पूजा करने के लिए, पूजा वूजा करके वापस आ गया और यहाँ आप देख सकते हैं गाइस अपनी फैमिली, ये फ्रेम गाइस चेकआउट करो। तो आज देरी किस बात की गाइस, आज जो राम भगवान है श्री राम जी 14 वर्ष काट के गाइस जब वो आ रहे हैं गाइस अयोध्या वापस, तो इसी खुशी में गाइस अभी हम लोग पटाखे फोड़ेंगे बहुत सारे। मम्मी जा रही है दिया जलाने पूरे मंदिर में, मम्मी घर को एकदम जगमगा देना। और गाइस हम लोग ना बाहर एकदम ट्यूनी लाइट से भर दिए हैं, आपको दिखाएंगे अभी। और मम्मी अभी गाइस अभी मंदिर भी जाएंगे, आपको मंदिर भी दिखाऊंगा कितना सुंदर लगा है। लड़ी लगा है हम लोग गाइस हमारे राम, तो जोर से बोलिए जय श्री राम। बोला है ना, सॉरी मम्मी, वो क्या होता है ना मम्मी, आराम से बोलता हूँ तो फिर बहुत सोचना पड़ता है, ऐसे जोश में बोलता हूँ ना फिर कुछ ना कुछ वर्डिंग। हैप्पी दिवाली सबको हमारे तरफ से, सब लोग अपने घर में खुशियाँ मनाओ, हमेशा हमेशा आप लोग खुश रहिए गाइस, मम्मी ने बोल दिया है तो हमेशा खुश रहना आप लोग। चलते हैं अभी पटाखे फोड़ते हैं, हमारे श्री राम जी अब आते ही होंगे। चलो ग्रीन पटाखा गाइस, ग्रीन पटाखा दिया लगाना शुरू कर दिए। सो गाइज आप लोग ये चेकआउट करें, यहाँ पर श्री राम जी के स्वागत में कितने सारे दिए जल गए हैं। आप चेकआउट करें गाइस, पूड़ी खीर और सब्जी, और ये भी गाइस बहुत टेस्टी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। और यहाँ पर ये है मिठाई है, और गाइस साथ साथ में गाइस अभी मैच देखेंगे हम लोग। आज गाइस मैच चल रहा है वर्सेस नीदरलैंड का मैच चल रहा है, आज का मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है यार। 111 का लक्ष्य मिला है इंडिया ने दिया है, नीदरलैंड का हालत खराब हो जाएगा इस बार। तो इधर दिवाली के दिन एक और पटाखे फूटेंगे। ये हमारे दिवाली के दिन लक्ष्मी जी आई है और ये लोग अभी भोलेनी गाना गाने वाले हैं, ठीक है भैलोनी। तो अभी गाइस ये लोग भैलोनी गाना गाने वाले हैं, चलो शुरू हो जाओ फिर। गाइस काफी ज्यादा प्यारा गाया गाइस इन लोगों ने, और ये गाइस नेपाली में इन लोगों ने गाया, ठीक है गाइस। तो गाइस तीन लोग गा रहे थे ना एकदम, कितना रोंगटे खड़े हो रहे थे, कितना अच्छा लगा। अच्छा कौन सिखाया गाना इतना प्यारा? हम लोग खुद खुद से सीख लिया। और गाइस दिवाली और पटाखा ना फूटाए गाइस, वो टाइम आ चुका है यहाँ पर बम बजाने का। यहाँ देख सकते हो सभी लोग बाहर आ चुके हैं बम फूटाने। तो भाई रात को ही ना फूटाते हैं बम, की सुबह फूटाते हैं शिवम। तो गाइस बम अब बजने वाला है और हम लोग यहाँ पर अभी ग्रीन, मतलब दिवाली है गाइस, और पटाखे ना फटे वो भी खतरनाक वाले, तो मजा नहीं आएगा। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर शिवम कैसे बम फोड़ते हैं। जल्दी शिवम, राम जी आने वाले हैं।
उनके उनके लिए मस्त पटाखे फटने चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि राम जी हम 14 साल के वनवास काट के अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे तुम करेगा राम जी को, ऐसे बुलाएगा? ओ बाप रे, ये तो मेरी चौखट तो, पे चल के आज चारों धाम आए हैं। गाइस मेरे राम भगवान जी आ रहे हैं, श्री राम भगवान जी, जय श्री राम। अब देखो गाइस, पता चलना चाहिए कि हमारे राम राम भगवान। आराम से देखना, हट जाओ, जा अंदर, जा जा घर में जा। अबे यार सुर सुर का होता है ये, पूरा होगा तो फिर फटेगा सचिन, इसलिए नाटक नहीं। बम वो एक जलाओ पहले। मेरे तुम्हारे सब के हैप्पी दिवाली, जल्दी जलाओ। मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली, इतना भी जला लो। तो गाइस कुछ ऐसा रहा मम्मी के साथ, फैमिली के साथ हमारा ग्रीन दिवाली। सो वंस अगेन गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और इधर उधर मत फेंकना, कोना में। अरे मम्मी आपका अभी तक, अच्छा लेट, आपका साबुन स्लो है क्या? शिवम संभल के एकदम, चॉकलेट बॉम्ब समझ रहा है ना? आई लो थर। तो हम लोग का ना खुद ऐसा आदत नहीं है कि हम लोग ऐसा ऐसा पटाखा फोड़े, बट आज दिवाली है गाइस, एक दिन चलता है ये सारी चीजें। देखते हैं गाइस ये फोड़ पाता है कि नहीं। वो भाई साहब, सारी उम्र मैं जो तुम भी ऐसा फोड़ ना कि ऊपर फटे, कर पाएगा? ये बाल्टी रखते हैं मतलब, छोटे छोटे बाल्टी लाते हैं मतलब। नहीं नहीं नहीं, वो सब ज्यादा वो सब नहीं शिवम, सिर्फ मैं चाहता हूँ एक फेंके तो ऊपर जाके फटे, लेकिन देखना नीचे ऊपर मत फेंको, किसी घर में चला जाएगा फेंके। ये बात भी है, सुनना नहीं है। अरे 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 पूरा हंसी, पूरा हे पर उसको भी देख रहा है। बम होय होय ओए सुमे, ये पागल सुमे यार, तू पागल क्या यार? और चेहरे से काफी ज्यादा भोला भाला है, लेकिन नहीं असल में इसका असली असली सच कैमरे में अभी अभी गाइस जस्ट मैंने कैच कर लिया है। ओए अरे ऐसे कोई फेंकता है क्या उसको? नहीं बुझा है, आग है, आग है। सारी उम्र में, सारी उम्र में जो कर जबड़े यारे, देखो नीचे आके फटा। मैं फेंकता हूँ यहाँ, तो मुझे दो, पकड़ो एक बार, पकड़ गया हाथ में। क्या बोला? मैं हाथ में फोड़ लूंगा, देख देखा भाई। नहीं हाथ में नहीं फटा, बहुत स्पीड था लेकिन। सारी उम्र मैं जोकर जबर, कोई नहीं गाएगा सारी उम्र जोकर, सारी उम्र मैं जोकर। गाइस फाइनली गाइस हम लोगों का दिवाली आज सेलिब्रेट हो गया गाइस, आपने देखा कितनी मस्ती किया हमने और बहुत अच्छा लगा गाइस आज का दिन। तो हमने गाइस मस्त मस्त मम्मी के हाथ का खाना खाया और पटाखे भी फोड़े, पूजा भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। एंड अभी का गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग जाएंगे मस्त सो जाएंगे, भैया भी गाइस सो जाएंगे, भैया कल सुबह सुबह निकल जाएंगे सिलीगुड़ी के लिए क्योंकि उनका बैंक है। और गाइस अभी हम लोग सिलीगुड़ी नहीं जाएंगे, कुछ दिन रुक कर ही जाने वाले हैं, और जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे। और आप लोग गाइस वेट करो, काफ़ी सुंदर फ्लैट दिखने वाला है क्योंकि गाइस ऑलमोस्ट काम शुरू हो गया, आज के दिन भी गाइस काम हो ही रहा था अपने फ्लैट में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बस फ्लैट को देखने के लिए। जल्द से जल्द गाइस अपना फ्लैट एक बार रेडी हो जाए ना, फिर हम लोग वहीं पर रहेंगे। एंड बहुत कुछ गाइस वहाँ मुझे चेंजेस लाना है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि ना गाइस आप लोग मुझे उसी घर में देखने वाले हो, सारा बैकग्राउंड हर चीज़ गाइस उसी घर में, मेरे रील्स वगैरह सब उसी घर में आने वाले हैं। तो हाँ गाइस आप लोग भी मुझे उसी घर में देखने एक्साइटेड हो कि जल्दी जल्दी घर बन जाए और फिर हम लोग वो घर में जाकर बहुत कुछ ऐसा ऐसा चीज़ें करें ताकि आप लोगों को भी सीखने मिले, ठीक है? तो गाइज आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। गाइज अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय, लव यू ऑल।